हरिओम, नमो नमः, सुप्रभातम। तो कल है किसी नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरे सुबह 9:30 बजे से। तो अभी मौसम की बात करें तो हल्द्वानी शहर का मौसम दिखाते हैं आपको, कितना खतरनाक हो रहा है। तो ये है हमारा सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, तो यहाँ का नज़ारा है कुछ इस तरह का। और मौसम की बात करें तो मौसम देखिए आप, कितना खतरनाक कोहरा लगा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो रही है, कड़ाके की ठंड पड़ी हल्द्वानी में। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों से भी ज़्यादा ठंडा हल्द्वानी शहर में हो रहा है आज। ये है पहाड़ों की ओर का नज़ारा कुछ इस तरह का है, देखिए बिल्कुल पहाड़ दिख नहीं रहे हैं अभी कोहरे की वजह से। बाकी कल तक तो धुंध लगी थी, आज तो बहुत ज़्यादा कोहरा लगा हुआ है और रात में भी काफ़ी तेज कोहरा था। तो अभी फ़िलहाल मौसम कुछ इस तरह का है, तो देखते हैं कितने बजे तक आती है धूप। मुझे तो लग रहा है ऐसे हालत में 12 बजे तक खुलेगा नहीं खुलेगा मौसम, तो देखते हैं कैसा रहता है आज दिन भर का मौसम हल्द्वानी शहर का। तो अभी हो चुका है मेरा नहाना धोना और मैं आई थी छत पे कपड़े डालने के लिए, तो देख सोचा कि मौसम दिखा दूँ। तो आज भी मैं हल्द्वानी में ही हूँ, तो घर जाऊँगी मैं कल को। तो यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है, बहुत तेज़ ठंड पड़ गई है। तो मुझे तो पहाड़ों से ज़्यादा ठंडा यहाँ लग रहा है, घर में तो आग हाथ होती है तो उतना नहीं लगता है। और हिमाचल में तो पता नहीं चला था, वहाँ से आने के बाद यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था। तो बाकी अब कर लेते हैं हम अपना काम, तो मैं मंदिर होके आती हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे, बने रहिएगा मेरे साथ। दादी की बालकनी जहाँ हो रहे हैं फूल, गेंदे के फूल हो रहे हैं काफ़ी अच्छे, पानी से बचने के लिए यहाँ रखे हुए हैं। तो ये काफ़ी सुंदर से हरे भरे हुए हैं, गेंदे के फूल भी काफ़ी आ रखे हैं, तो इधर के भी हो रहे हैं। चलिए अब चलते हैं। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 11 और हमारा हो गया खाना पीना। तो यहाँ भी सुबह ही खा लेते क्योंकि आजकल दिन छोटे हैं, तो चारों में सब्जी का और सुबह ही खा लेते हैं हम लोग खाना पीना, सब भात रोटी सब खा लिए हैं। और अभी दिखाती हूँ मौसम कैसा हो गया है। वो तो मौसम थोड़ा बहुत खुल गया है, धूप आ गई है लेकिन हवा बहुत चल रही है। तो अभी हम लोग बैठेंगे धूप में, और यहाँ देखिए गेहूँ बो रखे हैं, गेहूँ की कुलाई भी हो गई है, काफ़ी बढ़िया गेहूँ जम रखे हैं। तो यहाँ बहुत दूर दूर तक गेहूँ बोते हैं, मतलब गेहूँ बहुत दूर दूर बोते हैं और हमारे यहाँ बहुत नज़दीक होते हैं, मतलब बहुत घने होते हैं। तो चलते हैं धूप में। तो हमारा आजकल ताई जी के यहाँ, जब हम हल्द्वानी में रहते हैं मतलब, तो यहाँ पर होता है अड्डा बैठने का, दरी बिछा दी है और यहाँ पर बैठते हैं। आजकल चल रहा है रोड में काम, तो रोड में पत्थर टाइल लग रही हैं, तो पूरा रोड में काम चल रहा है मंदिर के चारों ओर, उधर से लेके यहाँ को चारों ओर मंदिर की, तो अभी काम चल रहा है। देखिए यहाँ काफ़ी जोर शोर से काम चल रहा है। बाकी हम बैठ चुके हैं, मैं तो बैठ गई हूँ धूप में और अभी ताई जी आ रही है, ताई जी भी बैठेगी तो हमारा अड्डा यहीं पर रहता है, फिर हमारी बिनाई शुरू हो जाएगी थोड़ी देर में। तो थोड़ी देर धूप सेकते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो अभी बज गए हैं 2:00 PM और देखिए दिन भर मौसम ऐसी था, आज धूप का यही है हाल। तो अभी यहाँ पे काम चला ही है दिन भर से और हम लोग यहीं पे बैठे थे, और अभी लेकिन बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल देखिए बादल ऐसे लगे हुए हैं आसमान में, आज पूरा बादलों से घिरा हुआ है। तो बारिश का भी हो रहा है मौसम, तो बारिश भी आ सकती है, और अभी फ़िलहाल तो बादल लगे हैं और अब ठंडा बढ़ चुका है। तो इतनी देर से बैठे थे बाहर से ही और धूप भी सेकी थोड़ा देर, और स्वेटर वेटर बिन रहे हैं, ताई जी अपना बिन रही थी मैं अपना बिन रही थी, तो बाकी बैठे हैं यहाँ पर। और अब चलते हैं अंदर और बैठते हैं अंदर जाके, क्योंकि तो बहुत ठंडा उन लग गया बाहर से, बहुत ठंड हुई है। आपको तो धूप पहननी पड़ती है, टोपी भी लेके आएगी, आपको टोपी भी पहन लेती और उसके बाद मिलती हूँ आपसे, आप बने रहिएगा। बाकी क्या है, ऐसे ही चल रहा है यहाँ भी पूरा सुबह से कोहरा धूप, ऐसे ही हो रहा है मौसम, फिर से देखो शाम तक कोहरा ना लग जाए, देखते हैं क्या होता है, मैं आपको भी दिखाते रहूँगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ ऐसे ही। तो अभी बज चुके हैं 5:30 और मैं आई हूँ छत पे कपड़े उठाने के लिए, और शाम के टाइम मौसम कैसा हो गया आज तो दिन भर ऐसी है, तो अभी टोपी भी पहन के बिल्कुल तैयार हो गई हूँ। ठंडा काफ़ी ज़्यादा हो गया है और कपड़े फैले हैं पूरे पूरे छत में, कपड़े कपड़े फटाफट से उठा रही थी। और मौसम दिखाती हूँ कैसा हो गया, देखिए फिर से जैसे सुबह मौसम हो रहा था ना बिल्कुल ऐसे कोहरा लग के ऐसे हो गया है, और दिन में तो बिल्कुल बादल थे आसमान में, और अभी पूरे कोहरे से पूरे ढक चुके हैं बादल, बहुत खतरनाक मौसम हो गया है, ठंडी से हालत हो गई ख़राब। अभी देखिए यहाँ सब छत से नज़ारा ऐसा दिख रहा है। तो मैं आप तब फटाफट से उठा लेती हूँ कपड़े, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो मैंने उठा दिए कपड़े, और आज इतना मौसम गंदा था ना कि कपड़े आज बिल्कुल भी नहीं सूख रखे हैं, बहुत ज़्यादा गीले हो रखे हैं। तो आज बिल्कुल भी धूप नहीं आई ज़्यादा अच्छी, हल्की बल्कि हल्की हल्की धूप आ गई। तो अभी फ़िलहाल मैंने कपड़े उठा लिए हैं और मैं जा रही हूँ नीचे को। तो कुछ इस तरह रहा आज का दिन, तो ज़्यादा कुछ तो हुआ नहीं, खाली बैठे ही थे। बाकी कल मैं जा रही हूँ घर को, उसके बाद आपको पहाड़ का देखने को मिलेगा। बाकी आज हल्द्वानी का दिखा दिया मैंने,
तो इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को कर लेती हूँ यहीं पे एंड, और आशा करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलूंगी आपको और अच्छी वीडियोज़ के साथ, अच्छी ब्लॉग के साथ। तक ले, बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।